दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 28 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1950 में। दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1950 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1964 में। वर्ष 1964 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, वर्ष 1964 में। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक लंबे संविधान के रूप में भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों विश्व के सर्वाधिक लंबे संविधान के रूप में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों ये घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था, तो इसका उत्तर यही होगा 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किया गया था किसके आधार पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय चुनाव के आधार पर। प्रांतीय चुनाव के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। दोस्तों भारतीय संविधान का जो उद्देशिका भाग है वो संविधान की आत्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में सरकार बनाने का अवसर मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रांतों में। दोस्तों वर्ष 1937 के चुनाव में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाने को अवसर मिला कांग्रेस को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द ही व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए। तो सही उत्तर है एन जी रंगा ने कहा संविधान में कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत कर हिंदी को देश की राजभाषा बनाया। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1947 को। 12 सितंबर 1947 को हिंदी को देश की राजभाषा बनाया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, भारतीय संविधान कब स्वीकृत एवं क्रियान्वित हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1950 में। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1950 में। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन सी, सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1951 में। वर्ष 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 121 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इस चारों में से बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों इन चारों में से सबसे जनसंख्या में अधिक है, और ऐसे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, यानी दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रह रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। इन चारों में से बताना है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। और दोस्तों भारत में पूरे जनसंख्या घनत्व में पहला राज्य है बिहार। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय आर्य। भारतीय आर्य दोस्तों एक ऐसा समूह है जो भारत में विशालतम भाषाई समूह है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन भारत का बृहत्तम 10 लाखी नगर है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? दूसरा, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम। दोस्तों भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है और पहला हिंदू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? ऑप्शन है सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई। दोस्तों भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय ईसाई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल पर और भी जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध है, तो आप एक बार चैनल पर जरूर विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।